लीगल कॉप्स टीम की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का विषय है कि क्यों अधिकांश पुरुषों को 498A का सामना करना पड़ता है, या डोमेस्टिक वायलेंस का, रख रखाव या निजी क्षेत्र में नौकरी कर रहे लोगों के लिए ही ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जैसे BPO में काम कर रहे हैं, फाइनेंस या ऐसी जॉब जहाँ पर आपको 10 घंटे की सेटिंग जॉब होती है और आप ज़्यादा समय ऑफिस में बिताते हैं। ऐसे पेशावर या ऐसे जॉब के लोगों के लिए शायद ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसकी प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है, ये आपको खुद ही फाइंड करना होगा, कोई बता नहीं सकता, और जो बताएगा वो अधूरा रहेगा, राइट। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि क्यों खतरनाक है अगर आप अपनी पार्टनर से खुश नहीं हैं, आप डिवोर्स को फाइल करना चाहते हैं, तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप अपनी वाइफ को इनिशिएटिव लेने दें। लेकिन अगर आपकी एक्सट्रीम कंडीशन है और आपके पास वैलिड प्रूफ है तो आप भी ये स्टेप उठा सकते हैं। अगर मान लीजिए आप पत्नी या उनके ससुराल के द्वारा बनाई गई इच्छाओं से तंग आ चुके हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं और कोई जीवन जीने का बाहर का रास्ता तलाश रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में मैं आपको बताऊंगा, व्यक्ति जो परेशान होकर के ये स्टेप उठाने लगता है कि खुद ही जाकर के तलाक का फाइल कराता है, राइट। और हम आपको बता दें, मोस्टली जब वो तलाक के लिए फाइल करने जाते हैं तो वो पूर्ण रूप से तैयार नहीं होते हैं, वो किसी परेशानियों के मारे होते हैं और वो चले जाते हैं फाइल करने, मतलब कि जानबूझ करके बैठे बैठाए उस सारी चीज़ों का प्रभाव लेते हैं। हम आपको बता दें कि अगर आप फाइल करते हैं तो पत्नी सबसे पहले घरेलू हिंसा मामले में मानसिक रख रखाव और मुआवजे की मांग कर देगी सबसे पहले, और अपने आप को ऐसा प्रूव करेगी कि वो एकदम फाइल, एकदम सती सावित्री, सीता की दूसरी बहनी, या CRPC 125 फाइल कर देगी जिसमें मानसिक रख रखाव और उसमें आपको गंभीर आरोप लगा देगी और कहेगी कि आप हमें मेंटेनेंस दो, या गंभीर आरोप ना लगाए, कहे कि मैं आना चाहती हूँ लेकिन आप लाना नहीं चाहते हो, तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप हमारा खर्च वहन करें, और पैसे की डिमांड कर देगी, या आपको एक RCR फाइल कर देगी कि उसका वैवाहिक अधिकार है अपने पति के साथ रहने के लिए, तो मैं अदालत से मुहिम करती हूँ कि मुझे पति के पास जाने के लिए करें। अगर आप ऐसा कर देती है तो आपको ये लग जाएगा भाई आप दहेज सीकर हो, दहेज मांगते हो, या आप एक पत्नी से संतुष्ट नहीं हो, ऐसा होता है धारावाहिकों मूवियों में, आप देखो इसे। मैं ये नहीं करो अपना समय देख करके व्यर्थ करो, लेकिन ये है कि ऐसा होता रहता है, और आपके ऊपर बहुत सारी धाराएं लगा सकती हैं, जैसे 406 है, 498 है, 324 है, हमला किया है, आपराधिक धमकी दी है, 506 है, या 376, हालांकि बलात्कार लगा दे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कंडीशन हो जाती है, या 354 एक महिला को भंग, मतलब कुछ भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द केस एंड कंडीशन, 377, 326। सो आप इस कॉन्सिक्वेंस से बचने के लिए अगर आप इसमें कुछ असुविधा पा रहे हैं या ऐसी कुछ आपकी कंडीशन है, तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, हमारी टीम आपकी सहायता करेगी। अगर आप डिवोर्स फाइल करना चाहते हैं तो हमारी तरफ से आपको बेस्ट कंसल्टेशन दिया जाएगा, फॉर दैट यू हैव टू पे अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसल्टेशन फीस एट द सेम टाइम, और आपको पूरी जानकारी प्राप्त कीजिए। अगर आप बेहतर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, www.legalcops.com, विद देयर इज अ सेक्शन फॉर द ब्लॉग, ब्लॉग्स पे क्लिक करके आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।